डम्पशराज खेलते हैं। ये डम्पशराज क्या होता है? इसके दो ग्रुप होते हैं। एक आदमी इशारे से कोई चीज या फिल्म का नाम अपने ग्रुप को समझाता है और उनको बताना होता है कि वो क्या बताना चाहता है। मुझे डम्पशराज बहुत अच्छा गेम लगता है, बहुत मजा आता है। चोर, चोर, पकड़ो, अरे कोई पकड़ो। दी, वो देखो, चोर मम्मी का पर्स लेकर भाग रहा है। ए, रुक जाओ। ए, चोर अंकल वो पर्स वापस कर दो। चोर अंकल अभी भी रुक जाओ। मैं सपना देख रहा हूँ। ये बच्चा इतनी तेजी से साइकिल कैसे चला सकता है? हे बच्चे, मुझे छोड़ना मत, प्लीज बचा लो, बचा लो। ठीक है, जाओ, आज के बाद फिर चोरी मत करना वरना पुलिस को दे दूंगा। ये तो बता दो तुम हो कौन? अच्छाई का दोस्त, बुराई का दुश्मन। नाम है वीर, वीर द रबर बॉय। थैंक यू वीर, तुमने पर्स कैसे छीन लिया उससे? छीना नहीं आंटी, उसके हाथ से गिर गया और मैं लेकर आ गया। गुड बॉय वीर, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। बाय बच्चों। बाय। चिंटू कहाँ है? पता नहीं कहाँ है, लेकिन अभी बुलाता हूँ। तक दिना दिन दिन, तक दिना दिन दिन, कौन सा काम अधूरा है बोलो मेरे बिन। अपने नाना से मिले हुए सोचो हो गए कितने दिन। नाना जी आप कब आए? चिंटू जिन, जेल से लेडी जिन भाग गई है। तुम्हें याद होगा जब वो जिन पुलिस से छुप के भाग रही थी तो तुमने ही उसे देख के पुलिस को खबर की थी और उसे जेल हो गई थी। हाँ नाना जी, मुझे याद है। जिन पुलिस उसे ढूंढ रही थी और वो भागती हुई आई और एक कुएं में छुप गई थी। मैं वहाँ खेल रहा था, मैंने उसे छुपती देख के जिन पुलिस को बुला लिया था। जब पुलिस उसे पकड़ के ले जा रही थी तब वो चीख चीख के कह रही थी, चिंटू मैं वापस आऊंगी और तुम्हारी सारी शक्तियाँ छीन लूंगी, मैं बदला लूंगी चिंटू, मैं बदला लूंगी। लेकिन चिंटू वो जेल से भाग चुकी है और तुम्हें ढूंढ रही है। शायद उसे अभी पता नहीं है कि तुम धरती पर हो, इसलिए कोई खतरे की बात नहीं है। नाना जी आप चिंटू को अपने साथ ले जाओ। चिंटू को वहाँ ज्यादा खतरा है क्योंकि वो चिंटू को जिन वर्ल्ड में ढूंढ रही है। चिंटू ये लो जिन कैचर, अगर वो दिखे तो उसे इसमें कैद कर लेना। ओके नाना जी। चिंटू तुम इतना डर क्यों रहे हो? वो बहुत खतरनाक जिन है, वो मुझसे बदला लेने आएगी। लेडी जिन को नहीं पता है कि तुम यहाँ हो। अरे भागो, वो देखो भूत जिन। भागो, जल्दी जाओ। चिंटू, मेरे प्यारे चिंटू, कैसे हो? तुम्हारी वजह से कई दिनों तक मैं जेल में रही, अब मैं तुम्हारी शक्ति छीन के अपनी शक्ति बढ़ाऊंगी। उम्मीद है तुम बुरा नहीं मानोगे। ये गधा चिंटू का दोस्त लगता है। नहीं नहीं, वो तो मेरे दुश्मन है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, आज से तुम मेरे दोस्त हो। बताओ चिंटू कहाँ है, वरना मुझे बहुत सारी डोंकी डिशेस पकानी आती हैं,
डोंकी दो प्याजा, डोंकी मुगलाई, डोंकी तंदूरी, डोंकी टिक्का मसाला। वीर, वीर, बचाओ। याद रखना, एक बार जिंटू को पकड़ लूं, मैं तुम्हें अपनी तरह सुंदर और परफेक्ट लेडी जिन बनाऊंगी। बाय बाय। तुम इतना डरे हुए क्यों हो जिंटू? जादू करके वहाँ से गायब क्यों नहीं हो गए? उसके सामने मैं डर के मारे सब कुछ भूल जाता हूँ, अगड़म बगड़म भी याद नहीं रहता। उसे पकड़ने के लिए तुम्हारे पास ये जिन काचर तो है ना, इससे पकड़ो ना उसे। डर के मारे आवाज ही नहीं निकल रही उसे कि कैसे पकड़ूं? वो कभी भी कहीं भी जा सकती है। उससे जिन को डरा डरा के उसकी पावर सक करने में मजा आता है। जितना ज्यादा जिन डरा होगा उतनी आसानी से वो पावर सक कर लेगी। मैं तो छुप जाता हूँ। वीर, जिंटू कहाँ है? उसके लिए मैंने चाट बनाई है। पता नहीं वो कहाँ है दादाजी। तुम्हारा दोस्त है और तुम कहते हो पता नहीं, जल्दी बुलाओ उसे। जिंटू को इतने प्यार से क्यों बुला रहे हैं? अक्सर तो दादाजी हम सबको एक साथ ही बुलाते हैं। कुछ तो गड़बड़ है, अभी पता करता हूँ। दादाजी आप सारा खाना टेबल पे लगा दीजिए, मैं अभी जिंटू को बुलाता हूँ। हेलो दादाजी, कहाँ हो आप? मैं बाजार में सब्जी ले रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं दादाजी, ऐसे ही पूछ रहा था। इमली, अंदर जो है वो दादाजी नहीं लेडी जिन क्या? है। जिंटू जल्दी चलो, लेडी जिन दादाजी के रूप में आई है। नहीं नहीं, मैं पलंग के नीचे से नहीं निकलूंगा। जिंटू चलो। जिंटू हम इस तरह कब तक भागते रहेंगे? तुम अपने जादू का इस्तेमाल करके लड़ो। थिंक पॉजिटिव, ये सोचते रहो तुम बहादुर हो और फिर देखो उसका असर। मैं बहादुर हूँ, मैं बहादुर। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? लगता है वो लेडी जिन है जो मिस्टर चड्ढा के रूप में आई है। अरे जिंटू जादू करो जल्दी, लेडी जिन नजदीक आ रही है। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। मुझे क्या हो गया? मेरे गांव में ऐसा नहीं होता। पंडित जी मम्मी, वो असली चड्ढा अंकल है, उन्हें ठीक करो। ओ, मेरी बिरादरी वाला आया है। हे दोस्त, तुम्हारा नाम क्या है? नाम में क्या रखा है, काम पूछो। वैसे तुम्हारा काम क्या है? मैं शेफ हूँ, मैं बनाता हूँ डोंकी दो प्याजा, डोंकी मुगलाई, डोंकी तंदूरी, डोंकी हंडी, डोंकी स्टफ, डोंकी मसाला की ग्रेवी। ये तो लेडी जिन है, भागो। जिंटू, प्यारे जिंटू, तुम्हारी सारी पावर्स अब मेरी है। तुम जैसे तमाम जिन से पावर तक करके मैं इतनी शक्तिशाली बन जाऊंगी कि फिर मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा। जिंटू जादू करो, जादू करो, लड़ो जिंटू लड़ो, खुद पे भरोसा रखो जिंटू, तुम ऐसे हार मत मानो। जिंटू फाइट, फाइट जिंटू। तुम्हारी सारी पावर्स जा रही है, कुछ करो। जिंटू रुको, अपनी पावर्स को। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। नहीं, नहीं, वो पावर्स मेरी।
मैं जिंटू नहीं जो डर के हार मान लूंगा। तुमने हॉर्स पावर के बारे में बहुत सुना होगा, आज देखो डोंकी पावर। टिम्बक्टू, ये रोबोट देखो, इसका नाम है ड्रैगूस। फीड द रोबो बॉय को ये खत्म करेगा और सबके सामने करेगा। इसको कंट्रोल करने के लिए ये वायर्स और सिस्टम है। इसे पहन के हम जैसा चाहें इसे चला सकते हैं। इस हेडफोन में जैसा कमांड दोगे वो वैसा ही करेगा। बॉस, मैं ट्रायल लेता हूँ, ये काम कैसे करता है। काम करता है बॉस, देखो। पता चल गया, अब बंद करो। यू आर जीनियस बॉस। मैड मैक्स इज मैड, वेरी वेरी मैड। आइए अंकल, मैं आपको रास्ता क्रॉस करा देता हूँ। चलो रुको, रुक जाओ। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। ये क्या, ये ड्रैगन्स कौन है? जरूर मैड मैक्स का रोबोट होगा। जिंटू, इसी होर्डिंग पे लिख दो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। बॉस बॉस, रोबो बॉय ने हमारे ही पोस्टर में जवाब छाप दिया। बॉस, उसे नहीं लड़ना है, वो लड़ाई में इंटरेस्टेड ही नहीं है बॉस। वो डर गया है, उसे लड़ना ही होगा। हम उसे लड़ने के लिए मजबूर कर देंगे। अभी अभी मिली जानकारी के अनुसार शहर में जगह जगह बर्बादी हो रही है। ड्रैगन्स नाम का रोबोट हर तरफ तोड़फोड़ और आगजनी कर रहा है। वो चिल्ला रहा है कि जब तक रोबो बॉय उसका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करेगा वो तब तक शहर में बर्बादी करता रहेगा। रोबो बॉय, मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करो, वरना रोज ये बर्बादी चलती रहेगी। तुम चिंता मत करो वीर, मैं इसे अभी ठीक कर देता हूँ। नहीं जिंटू, ये लड़ाई एक रोबोट से दूसरे रोबोट की है, इसमें कोई जादू नहीं होगा। रोबो बॉय को साबित करना होगा कि वो फुर्सतगंज के लोगों के लिए किसी भी मुसीबत से टक्कर ले सकता है। तुम सिर्फ इतना करो कि टिम्बक्टू को मैसेज भेज दो कि रोबो बॉय चैलेंज एक्सेप्ट करता है। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, रोबो बॉय ने ड्रैगन्स का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। कल सुबह अरीना में फाइट होगी। जूते में फोन कॉल। बॉस बॉस, रोबो बॉय ने जूते में मैसेज भेजा है, उसने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है बॉस। दोस्तों, आज इस सदी की सबसे बड़ी फाइट होने वाली है। वेलकम टू द मोस्ट पावरफुल, द मोस्ट डेंजरस, द ग्रेटेस्ट, द टफेस्ट क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, ड्रैगन्स। और अब आ रहे हैं रोबो बॉय। रोबो बॉय, इट विल बी माय प्लेजर टू फिनिश यू। Okay, ready? Start the fight! Huh.
अभी मजा चखाता हूँ। अगड़म बगड़म नहीं चिंटू, वीर ने कहा था नो जादू, उस पे विश्वास रखो। वीर डक डक झुको। वीर क्या कर रहे हो तुम, मूव क्यों नहीं करते? दादाजी कुछ याद नहीं आ रहा, क्या रिएक्ट करूं? जब तक सोचता हूं उसका पंच पड़ जाता है। तुम्हारा रिएक्शन लेट हो रहा है, मेमोरी चिप पे कुछ डैमेज हो गया है। देखो वो आ रहा है, उसका पैर उठ रहा है, साइड स्टेप हो। वेरी गुड बॉस, वेरी गुड, आप बहुत अच्छा फाइट कर रहे हो बॉस। आपका रोबोट आपसे इतनी दूर रह के भी आपका कमांड मान रहा है बॉस। जी, ड्रैगो को मैड मैक्स कंट्रोल कर रहा है, ड्रैगो खुद नहीं लड़ रहा। ओह, तो ये रिमोट कंट्रोलिंग डिवाइस यूज कर रहा है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी चिंता इस बात की है कि वीर की मेमोरी चिप डैमेज हो गई है और रिएक्शन एबिलिटीज लेट हो रही है, वो टाइम से रिएक्ट नहीं कर पा रहा। दादाजी क्या हम वीर को रिमोट कंट्रोलिंग डिवाइस से कंट्रोल नहीं कर सकते? इमली चलो, हमें अभी वीर को रिमोट कंट्रोलिंग डिवाइस से लड़ना होगा, वीर खुद नहीं लड़ पा रहा है। वीर की मदद के लिए जादू नहीं इस्तेमाल कर सकता, लेकिन बाकी कामों के लिए तो कर सकता हूँ। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो बॉस? बचाओ! इमली तुम फाइट करो, मैं वीर की मेमोरी चिप और रिएक्शन मैकेनिज्म रिपेयर करता हूँ। ओके दादाजी। इमली अटैक करो, अटैक। मैं वीर को चार्ज दे रहा हूँ, वो लड़ सकता है। सुनो वीर, तुम ठीक हो गए हो? अभी तक इमली तुम्हें रिमोट कंट्रोलिंग डिवाइस से कंट्रोल करके लड़ा रही थी, अब तुम खुद लड़ सकते हो। थैंक यू इमली। दादाजी चलिए ना अरीना चलें।
शुरू होगी? ये देखो लेट लतीफ, अभी आके पूछ रहे हैं फाइट कब शुरू होगी। रोबो बॉय जीत के भी चला गया।